नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे अमृतसरी कुलचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसे कुकर में दो सीटी आने तक रखूंगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। इसके बाद हम 5 कटोरी मैदा लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से हमारा डो सॉफ्ट बनेगा और हमारे कुलचे क्रंची बनेंगे। और अब हम मैदे को गूंथ कर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से नीट कर लूंगी। देखिए, अब हमारा डो तैयार है और अब मैं इसके ऊपर 4 चम्मच घी डालूंगी। मैं इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। देखिए, साथ ही साथ हमारे आलू भी उबल कर तैयार हैं। अब हम मैशर की हेल्प से आलूओं को मैश कर लेंगे। आलूओं को हमें अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। हम इसमें 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 2.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए, कुलचे के लिए फिलिंग रेडी है और कुलचे बनाने के लिए मैदा भी रेडी है। अब हम मैदे में घी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि कुलचे खाने में सॉफ्ट और क्रंची रहे। और अब हम मैदे की लोई बना लेंगे।
बेलन से बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी और सूखा मैदा डालेंगे। और देखिए, अब हम इसे इस तरह से एक नान की शेप दे देंगे। देखिए, अब मैं इस लोई को हाथ से प्रेस कर लूंगी। और अब मैं इसमें आलू की स्टफिंग डालूंगी और इसे बंद कर दूंगी। अब मैं इसे हाथ से प्रेस करके रोटी का शेप दे दूंगी। देखिए, अब मैं इसे बेलन से बेल लूंगी। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर अजवाइन, जीरा, कसूरी मेथी, सूखा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक तंदूर में डाल देंगे और 2 मिनट में हमारा कुलचा पककर तैयार होगा। देखिए, अमृतसरी कुलचा रेडी है। हम इसे मक्खन और चना के साथ खाएंगे। सच में ये बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।